लखनऊ का आलमबाग नहरिया चौराहा अब ऐतिहासिक हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। उसके पीछे की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले को गर्म करने वाली, ये चीज़ फैलाने वाली लड़की जिसका नाम है प्रियदर्शनी नारायण यादव, उसको लेकर एक इतनी बड़ी खबर आई है कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। जहाँ कैब ड्राइवर को इंसाफ दिलाने के लिए जहाँ पूरे सोशल मीडिया पे हर तरफ गुहार लगाई जा रही है और दूसरी तरफ पुलिस अपना खेल खेल रही है, और खबर अब एक और खबर सामने आई है। प्रियदर्शनी नारायण जो यादव हैं वो लखनऊ छोड़ चुकी हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सच है। प्रियदर्शनी, जिनका प्यार का नाम है रोज़, हालांकि रोज़ वाला उन्होंने अभी तक कोई काम तो किया नहीं है, और रही बात उनकी अगर बाकी डिटेल्स की बात की जाए तो पिताजी जो हैं, जो वो रेलवे से रिटायर्ड हैं, उनकी जो माँ हैं जो शशिकला प्रसाद हैं, जो पेशे से एक सोशल वर्कर हैं और एक पार्टी के साथ उनका संबंध है। नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि किसी पार्टी को हम विवादित नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी बात यह है, जो जो लड़की प्रियदर्शनी हैं, जो प्रियदर्शनी लड़की हैं, उनके पिता को पुलिस ने ये कहा था कि आप इसे काबू में रखिए और इसे घर में बंद करके रखिए। शायद यही रीज़न रहा होगा कि उन्होंने लखनऊ छोड़ दिया। और सबसे बड़ा रीज़न ये सामने आया है कि जिस तरह से सब मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देने के बाद वो अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर सकी कि हाँ जी उन्होंने गलत किया था या सही किया था। इसके बाद उनके माता पिता को लगा कि ये चीज़ अब यही ख़त्म कर देनी चाहिए, इसलिए उनके माँ बाप दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब ये चीज़ से यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। और ज़्यादा ज़िद सही नहीं होती, और क्योंकि वो हर जगह सब मीडिया हाउसेस में जगह जगह अलग अलग झूठ बोलते जा रही थी, इसलिए शायद इसी कारण उन पर विश्वास कोई नहीं कर पा रहा था। हाल फिलहाल आपको बता दें कि प्रियदर्शनी लखनऊ छोड़कर बिहार चली गई हैं। वो बिहार की मूल रूप से निवासी हैं। हम ऑल डिटेल्स आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और कारण ये है कि प्रियदर्शनी ने जो गलती की है वो तो खैर उन्होंने गलती की ही है, और अभी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है जनता में। इस माहौल में भी ये हो सकता है कोई प्रियदर्शनी को हिट ना करे, और इसी के चलते उनके माँ बाप ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि उसको लेकर चुपचाप बिहार चले गए हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि बिहार उन्हें जाना भी था या चली गई तो पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। पुलिस की जो बेसिक कार्रवाई बनती है और जो बेसिक रूल्स बनते हैं कि जब तक आप पर कोई आपराधिक मामला चल रहा हो तब तक आप वो जगह छोड़ के नहीं जा सकते, वो फिर कहाँ है? आखिर पुलिस ने उससे क्यों जाने दिया? एक जो बेसिक सज़ा बनती थी प्रियदर्शनी की, वो देने के बाद भी उन्हें मूव कराया जा सकता था। हाल फिलहाल वजह हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया है और इसके पीछे किसका हाथ है, ये सही है या नहीं है, और इस पर भी हम कोई कमेंट करके नहीं करना चाहेंगे। हाल फिलहाल जिस तरह से प्रियदर्शनी ने बयानबाजी की है, उनका लखनऊ में रहना भी ठीक नहीं था। आपकी राय में क्या लगता है आपको, क्या यह सही हुआ या गलत हुआ है पूरे मुद्दे पर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी राय। इस तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी नए वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि अब तक पहुंचता रहे हमारा हर एक लेटेस्ट अपडेट।